गुड आफ्टरनून सर, आपका नाम जान सकते हैं? पेशेंट आप है, आपका नाम? कंचन लाल मिगादी जी। और आप पेशेंट के? मैं उनका फ्रेंड हूँ। ओके, आपका नाम? नहीं नहीं स्पष्टता दिया। ओके, तो क्या तकलीफ थी अंकल आपको? निधन चला गया। ओके, आप क्या काम करते हैं? नमक का धंधा, यहाँ का गुजराती में जो भजिया बोलता है। भजिया फाफड़ा जो बोलते हैं, भजिया फाफड़ा जो फ्राई। ओके, स्नैक्स का बिजनेस है और उनको फ्राई पैन के ऊपर ही बैठना पड़ता है बनाने के लिए। अच्छा, और आप कहाँ से हैं? सूरत। सूरत से है। अच्छा, आपको इस अस्पताल के बारे में कैसे पता चला, आदित्य जो हॉस्पिटल के बारे में? ये मेरा मित्र है, तो मैंने उनको बोला कि मेरे को ऐसा ऐसा तकलीफ हुआ है, उसका अपना डॉक्टर का नाम दिया है, फिर वो इधर लेके मेरे को आया। आपको इस अस्पताल के बारे में कैसे पता चला? मुझे बाबूभाई, डॉक्टर बाबूभाई धबुवाले ने यहाँ बताया था, रेफरेंस किया था। मेरा रिलेटिव था, उनके लिए रेफरेंस किया था। अच्छा, 10 साल पहले। अच्छा, 10 साल पहले आपको पता चला? हाँ, फिर बाद में मैंने यहाँ पे कम से कम 8-10 पेशेंट रेफर किया और सबका रिजल्ट एकदम एक्सेलेंट आया और दे ऑल आर सेटिस्फाइड। सो मैंने इनको भी यहाँ रेफर किया, मैं खुद इनको साथ में लेके आया। अच्छा, पहली बार आप कब आए थे आदित्य ज्योत में? मैं तो 10 साल पहले आया था यहाँ पे। इस बार जब उनको तकलीफ शुरू हुई, इस बार जब तक 25 नवंबर। अच्छा, फिर डॉक्टर साहब ने बोला कि दूसरा करना ही पड़ेगा, इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी है, रेटिना डिटैचमेंट है पूरा, तो दूसरे दिन करना ही पड़ेगा। सभी डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर नटराजन सर ने सर्जरी किया। सर्जरी दूसरे दिन। ओके, तो आपका सर्जरी के बाद आंखों का जो विजन है वो किस तरीके से इम्प्रूव हुआ, क्या फर्क जान पड़ा आपको सर्जरी के बाद में? सर्जरी के बाद लगभग 1-8 महीना हो गया, अभी थोड़ा जो नहीं दिखता था, तो जरा जो आप सामने तुम बैठे थे, पहले तो नहीं दिखता था, पहले बिल्कुल दिखता बिल्कुल नहीं दिखता था। फिर जो सर्जरी के बाद थोड़ा थोड़ा ऐसा लगा कि भाई सामने लेडीज है, ये लाइट है, लाइट दिखता था, पहले तो कुछ नहीं दिखता, पहले कुछ भी नहीं दिखता था, अभी थोड़ा बहुत जो लाइट जलती है वो लाइट भी नहीं दिखता कि लाइट जलती है। तो सर अभी आप आए हैं, सर्जरी आपकी 26 नवंबर को हुई थी, जनवरी में अभी आज की 12 तारीख है आप आए हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी आपका विजन कितना परसेंट इम्प्रूव हुआ है? अभी एकदम 30-35% इम्प्रूवमेंट है। डॉक्टर साहब ने बोला है कि करीबन 3-4 महीने के अंदर पूरा 80-90%, 80-90% तक आएगा। ओके, तो आपको कैसा लग रहा है अभी? हाउ आर यू फीलिंग? फीलिंग गुड, एक्सीलेंट। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। ओके, फाइन, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।